उत्तर विभाग साइबर सेल ने एक नामी गिरामी कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट व करियर गाइड्स की ट्रेनिंग देने वाले टीचर को किया गिरफ्तार, जो मैनेजमेंट क्लासेस व एडमिशन दिलाने के नाम पर कईयों से करता था ठगी। इसने न सिर्फ फर्जी ईमेल आईडी बनाकर एडमिशन होने की जानकारी दी, बल्कि फर्जी जूम आईडी बनाकर ऑनलाइन क्लासेस भी दिलवाए। साइबर सेल ने जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया इन आरोपियों को। अपने बच्चों के साथ चीटिंग करने का मामला सामने आया है, क्या पूरा वाकया बताइए। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, एक कंप्लेनेंट 64 इयर्स के, उनकी बेटी को एमएमएस के लिए एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से लेना था। तो ये जो अक्यूज्ड है उसने उन्हें ऑफर दिया कि वो एडमिशन करा देगा एमएमएस के लिए, फिर उसने उनसे एडमिशन फीस लेके वही जो कॉलेज में एडमिशन करा रहा है वो कॉलेज का ईमेल आईडी, फेक ईमेल आईडी बना के वो ईमेल आईडी से इनको मेल किया कि योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म। तो उनको बिलीव हुआ कि कॉलेज की तरफ से मेल आया, तो उन्होंने आगे के ऐसे करके टोटल 9 लाख उसको पे किया, उसमें से 4,50,000 अकाउंट पे, उनके अकाउंट पे सेंड किया और 4,50,000 इन कैश दिया है। तो वो सारा घर में आके उनको फेथ में लेके उन्होंने किया है, और बाद में उसने एडमिशन कन्फर्म हुआ फिर कॉलेज का आईडी वगैरह बना के उनको मेल पे सेंड किया, और कोविड का फ़ायदा लेके उसने क्या किया, अभी कॉलेज बंद है सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है करके सारा ईमेल पे डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज का स्टैम्प वगैरह वो फर्जी बना के लेटर सबमिट किए, उसके बाद जूम पे ऑनलाइन लेक्चर्स लिए 8 दिन के लिए, फिर 8 दिन लेक्चर्स में 7-8 लड़के थे, तो वो लड़की को भी बिलीव हुआ कि मेरा एडमिशन कन्फर्म हुआ और कॉलेज स्टार्ट हो गया करके, और बाद में आफ्टर 8 डेज वो लेक्चर्स भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। फिर इनको समझ में आया कि इनके साथ चीट हुआ है, तो उन्होंने उससे फॉलोअप लिया, तो वो पैसा देता हूँ कर रहा था, तो सब लोग मिलके कंप्लेन किए, उसमें से एक कंप्लेनेंट में साइबर ईस्ट में कंप्लेन दिया था, तो वहाँ के पुलिस ने उनको पकड़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे उसको उसका पकड़ लिया है। इंक्वायरी में क्या पता लगा कि सर के कितने लोगों के साथ चीटिंग किया होगा? अभी हमारे पास तो एक ही कंप्लेन आई है, अभी हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी ऐसी भी जानकारी मिली कि किसी और पुलिस स्टेशन में इस तरह की शिकायत दर्ज हुई थी? हाँ, साइबर पुलिस स्टेशन ईस्ट साइबर पुलिस स्टेशन में हुई थी, वहाँ पे 7 लाख लिया था उन्होंने। किस तरह से लगा सर? हाँ, पेरेंट्स ने अभी ईमेल आता है, इन्होंने जो मेल ईमेल सेंड किया है कॉलेज के नाम का ही बना के सेंड किया, बट नेट पे जाके या फिर बम्बई में ही था तो फिजिकली जाके चेक करना था सिर्फ कोविड का, या फिर कोई फोन पे बता रहा है तो उस पर बिलीव मत करो, वेरीफाई कीजिए, और जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं, अभी आप कॉलेज के लिए एडमिशन रहे और ले रहे हो और उसके पर्सनल अकाउंट पे पैसा भेज रहे हो, तो कभी भी पैसा भेजते समय आप जिस पर्पज के लिए भेज रहे हो वही अकाउंट है क्या, वो कन्फर्म करके उसके बाद भेजना है।